बालाघाट में जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने पटवारी और उसके साथी कोटवार को रिश्वत लेते पकड़ा है। पटवारी 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि पटवारी राहुल मेत्राम ने फरियादी शैलेश बांगड़े से फौती काटने और नामांतरण बंटवारा कार्य के एवज में 60,000 रुपए रिश्वत के रूप में मांगे थे, लेकिन सौदा 50,000 रुपए में तय हुआ और पटवारी पहली किश्त 25,000 रुपए ले रहा था। तभी ग्राम खुरसोड़ी पंचायत भवन के सामने पटवारी को लोकायुक्त की टीम ने दबोच लिया। आवेदक शैलेश बांगड़े द्वारा शिकायत की गई थी पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त के समक्ष कि उनके माता पिता की मृत्यु के उपरांत से पति कटवाने नामांतरण करने और बंटवारा करने के एवज में 60,000 रुपये की मांग करना करके आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया, जिसमें हल्का पटवारी और राहुल मिश्रा ये रिश्वत लेते हुए 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। कार्रवाई